हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी टेस्टी गोभी मंचूरियन। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी, कम समय और कम मेहनत में इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए मैंने एक पत्ता गोभी लिए हैं, इसे धोकर साफ़ कर लिए हैं। इसके बाद इस तरह से इसे कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद इसे पकड़ के इस तरह से हम इसे बारीक बारीक कट कर लेना है, छोटे छोटे पीस में। मैंने सारा पत्ता गोभी कट कर लिए हैं, इसे एक बर्तन में रख लेंगे। मैंने 4 से 5 हरी मिर्च और 7 से 8 लहसुन के पीस कर दरदरा पेस्ट बना लिए हैं, इसे डाल लेंगे। मैंने इस कप से 1 कप मैदा लिए हैं। मैदा इसमें मैंने आधा ही डाले हैं, ज़रूरत के हिसाब से जब पड़ेगा तो डाल लेंगे। 1 कप उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाल लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। इसे इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल लेंगे, फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसके बिना भी आप बना कर तैयार कर सकते हैं। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इस तरह से इसे आप चेक कर लीजिएगा, ये अच्छे से बेंडिंग हो रहे हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसके बाद इसमें मंचूरियन छोड़ लेंगे। जितना कढ़ाई की स्पेस है या जितना आप हैंडल कर सकते हैं उसके हिसाब से कढ़ाई में मंचूरियन छोड़ लेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई रखे हैं, जैसे ही मंचूरियन डाल लेंगे इसके बाद गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसे पलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक, यानी कि क्रिस्पी होने तक पकने देंगे। मैंने इसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मंचूरियन अच्छे से पक चुके हैं और कलर भी बढ़िया सा आ गए हैं, बस इसे निकाल लेंगे। जिस तरह से आप ठेले या होटल में मंचूरियन खाते हैं बिल्कुल उस तरह से टेस्टी बनकर तैयार होगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गए हैं। तो चलिए फिर से आपको डालकर दिखा रहे हैं। इसी तरह से फिर हम दूसरा भी बैच तैयार कर लेंगे। इसे डालने के बाद फिर से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकने देंगे। मैंने सारा मंचूरियन बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आए हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।